वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टडी विथ मी में। और भाई पंजाबियों तैयार हो जाओ, और ये जो वैकेंसी है ये पंजाब के लिए है। जो पंजाब भारत का एक राज्य है, बड़ा ही समृद्ध राज्य है खेती किसानी के मामले में, और कई सारी चीज़ों में बड़ा मशहूर है, जैसे कि दूध दूध वगैरह में। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आ रखी है भारतीय वायुसेना में पंजाबियों के लिए। डिटेल में देखेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, किस पद पर आपकी नौकरी होने वाली है, आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी, आपको पेमेंट कितनी मिलेगी, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, एग्जाम में सिलेबस क्या होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपको बस मेरे साथ बने रहना शुरुआत से अंत तक। और अगर हाँ, अगर प्रथम बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए बड़ा आसान है, एक लाल कलर की बटन होगी, हिट कर देना है। बगल में घंटी का बटन होगा, उसमें जाके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, वरना कहीं मिस हो जाएंगे। अब देखिए, जो मुद्दे की बात है, भारतीय वायुसेना में ये वैकेंसी है। अब हम थोड़ा सा अपने पेन को चेंज करना चाहेंगे ताकि और अच्छे से हम आपको बता सकें। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, भारतीय वायुसेना में आपकी ये नौकरी। अब देखिए, ये जो वैकेंसी आपकी भारतीय वायुसेना में, जिसे आप इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका लोगो कुछ इस तरह का होता है। अब ये जो वैकेंसी है ये नॉन टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल जिसे आप ग्रुप वाई के नाम से भी जानते हो, तो ये सारी वैकेंसी ग्रुप वाई के लिए। दो तरह की वैकेंसी होती है भारतीय वायुसेना में, एक ग्रुप एक्स एक ग्रुप वाई। जो ग्रुप एक्स होती है वो टेक्निकल के लिए होती है, और जो ग्रुप वाई होती है वो नॉन टेक्निकल होती है, मतलब आपको तकनीकी के रूप में काम नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ऑल ओवर पंजाब के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये जो है आपकी अनमैरिड मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपकी शादी नहीं हुई हो जिन बच्चों की, और वो मेल होने चाहिए, तो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है ऑल ओवर पंजाब के लिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब ऑल पंजाब के लिए, ग्रुप वाई में, नॉन टेक्निकल, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ऑटोटेक एंड इंडियन एयरफोर्स पुलिस के लिए ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जो आपकी रैली भर्ती का प्रोग्राम है वो कहाँ पर होने है, पंजाब आर्म फोर्स पुलिस पीएपी ग्राउंड में, जो कि जालंधर पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर आपकी जो है ना रैली भर्ती होगी। आपकी जो रैली भर्ती का प्रोग्राम है वो सुबह 6 बजे से आपका शुरुआत हो जाएगा, 6 बजे से शुरू हो जाएगा। कैंडिडेट जो आप पंजाब के बच्चे हैं, रिपोर्टिंग अप टू 10 AM ऑन 5 अगस्त एंड 7 अगस्त एट पंजाब पुलिस, इस ग्राउंड पे आपको जो है ना पहुंच जाना है, ताकि आपका जो है ना जल्दी से सारे काम शुरू हो सकें। अब देखिए, दो दिनों में, दो चरणों में कहूँगा, दो चरणों में आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो सबसे पहला जो चरण है 5 और 6 तारीख का ये चरण है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले जाएंगे, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट में आते हो पंजाब के, तो आपको जाना है 5 तारीख को। ठीक है, तो 5 तारीख को आप जैसे जाएंगे तो उसी दिन आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, रिटन टेस्ट हो जाएगा, मतलब दौड़ भाग वगैरह सब आपकी कंप्लीट इसमें हो जाएगी। इसके बाद जो अगला है 7 तारीख को, 5 और 6 को दोनों का एक एक चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद 7 तारीख को दूसरा बैच है। 7 तारीख को कौन कौन से जाएंगे, लुधियाना, गुरदासपुर। ठीक है, तो आप इन जिलों के अगर आप रहने वाले कपूरथला वगैरह के, तो आपको जाना है 7 तारीख को। इस तरह आपके जो है ना दो बैचों में, दो चरणों में आप पूरा जो है ना पंजाब इसमें कवर हो रहा है, तो इस तरह आप जाके अपना टेस्ट दे पाएंगे। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपकी जो उम्र सीमा है 19 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देखिए, अगर आप SC ST या कुछ भी हैं, इसमें कहीं किसी को कोई छूट नहीं है, सब बराबर माने जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप जनरल के हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप ST हो, चाहे आप किसी अन्य रिलीजन के हो, सब बराबर है इसमें। ठीक है, तो ये बात इसकी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको कक्षा 12 पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका कक्षा 12 पास हो, मिनिमम आपका जो है ना 50% नंबर होना चाहिए, और आपने जो है ना अंग्रेजी पढ़ी हो कक्षा 12 में, ध्यान रखिएगा, और उसमें भी 50% नंबर ही लोग मांगते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई, अब हम आगे देखते हैं। डोमिसिल रिक्वायरमेंट, आपको अपना जो है ना, जब आप ग्राउंड पर जाएंगे जहाँ आपकी रैली भर्ती है, वहाँ पर आपका जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज जो भी आपने किया, कक्षा 10th का, कक्षा 12th का, हर चीज़ का जो है ना सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपीज भी लेके आपको जानी है। ठीक है, और आपका जो है ना परमानेंट डोमिसिल, मतलब निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। ठीक है, ये बात इसकी हो गई। और अगर आप जो है ना भारतीय सेना के जो है ना आपके पिताजी वगैरह काम करते, तो उसका भी जो सर्टिफिकेट होता है आपको वो भी लेके जाना है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो है ना होना चाहिए,
चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, वेट आपका जो है ना जो शरीर की लंबाई है उसके हिसाब से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेडिकल स्टैंडर्ड की नॉर्मल आप यहाँ से देख सकते हो। आपकी अगर आप ऑटोटेक के लिए जाते हो तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप IAP पुलिस वालों के लिए जाते हो तो आपकी 175 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप विजुअल आई साइड देख सकते हो, 6/6 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हमने मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ली। बॉडी टैटू जो है ना नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं, सिख जो कैंडिडेट हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, अब देखिए जब आप रैली में जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता दूं, कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फॉर एनी रीजन आर नॉट, मतलब कि अगर आप भारतीय वायुसेना से डिस्चार्ज ले चुके हो तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब रैली भर्ती वहाँ जाओगे तो आप क्या क्या लेके जाओगे, सबसे पहले HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, गम टाइप, ठीक है, ब्लू ब्लैक बाल पेन पॉइंट ओनली, ठीक है। तो जो आपका होता है बाल पॉइंट पेन वो आपको लेके जाना है। इसके बाद 7 अनस्टेड आपकी फ़ोटो लेके जानी है, ठीक। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक स्लेट में स्लेट लेके जो फ़ोटो खिंचवाते हैं, नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ उसमें लिखी हो, आपका नाम और जिस दिन फ़ोटो ली गई वो फोटोग्राफ, इसी तरह की लेके जानी 7, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो है ना इसमें ध्यान रखिएगा। और देखेंगे ओरिजिनल आपका जो ना कक्षा 10 कक्षा 12 के दोनों, और जो है ना 4 4 फोटोकॉपीज भी उनकी करा के लेके जानी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद से ही अटेस्ट कर लेना है, उसमें और कुछ नहीं है। और अपना निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आपको, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका लाभ मिलने वाला है। अब बात कुछ आगे की कर लेते हैं जो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। अब देखो आगे की श्रृंखला में आपको बताऊँगा ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी कितने दिन की होने वाली, और आपकी जो है नौकरी कितने आपकी चलने वाली। तो सबसे पहले आपकी 20 साल की ये नौकरी होने वाली है, अगर आप चाहें मे भी एक्सटेंडेड आप करना चाहें तो 57 साल तक भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने देखा होगा कि फौजी रिटायर हो जाते हैं 20 साल में, ऐसा नहीं कि उनकी नौकरी 20 साल की है, आप चाहें तो आप पूरी 57 साल तक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हो जाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, ठीक है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास। तो 57 साल की आपकी ये नौकरी होने वाली है। सबसे पहले आपकी एक ट्रेनिंग होगी जिसे JBPT के नाम से जाना जाता है, ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग आपकी ये होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना आपकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम कुछ इस तरह रखने वाला है, जब आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुल कम्प्लीट हो जाएगी, तब आप जो है ना इसे पास आउट माने जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात थी। आप देख सकते हैं पे इन अलाउंसेस की अगर आप बात करते हैं तो आपको पहले महीने से 14,600 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब 26,900 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे, और इसके अलावा जैसे रहने का, खाने का, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, ये सारी छुट्टी वगैरह ये सब आपको जो फौज में मिलती है वो सारी चीज़ें भी आपको दी जाएंगी। जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में आपको करना क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ लाइट मीडियम हैवी ऑटो, मतलब व्हीकल, ठीक है, लोड कैरियर्स, ठीक है, टोइंग ट्रैक्टर्स, फॉर की, ये सारी जो मेजर रिपेयर्स, मतलब आपको सुधारने होंगे, ठीक है, जो भी फौज में वाहन यूज होते हैं उन सब का जो है ना आप एक अच्छे मैकेनिक होंगे उनके, ये आपको काम रहेगा, ठीक है, ठीक है। पुलिस ड्यूटी आपको करनी होगी अगर आप इंडियन एयरफोर्स पुलिस में जाते हो। तो इस तरह हमने इसके बारे में भी चर्चा कर ली। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको बता देता हूँ। अब हम देख लेते हैं आपका सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसा होने वाला है, कि मतलब सबसे पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब आपकी दौड़ होगी। दौड़ आपकी कितनी होगी, 1600 मीटर आपकी दौड़ होगी, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको जो है ना पूरी कर लेनी होगी। इसके अलावा 10 पुशअप 10 सिटअप और जो है ना आपकी 20 उठक बैठक। तो इस तरह आपका फिजिकल का प्रोग्राम है। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उन्हें देने को मिलेगा रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जाम में क्या चीज़ आती है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपकी आती है अंग्रेजी, इसके बाद जो आती है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो दो चीज़ें आपकी आती हैं, अगर अलग अलग देखो तो पूरी 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, मतलब कि ये 45 मिनट के आपके पेपर होने वाले हैं, ठीक है। एक नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन सही होने का, तो इस तरह आपके और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, अगर आपने गलत किया तो 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और ये जो आपका पैटर्न रहने वाला है ये कक्षा 12 के पैटर्न के आधार पर आपका होने वाला है। डिफिकल्टी लेवल जो आपका रहेगा वो कक्षा 12 के आधार पर रहेगा, और पेपर आपका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्या क्या आएगा मैं एक बार और बता दूँ, इंग्लिश आएगी, ठीक है, और दूसरा आएगी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपका रिटर्न एग्जाम।
आगे और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। फिर इसके बाद आपका एडेबिलिटी टेस्ट 1, एडेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई उनके लिए मेडिकल होगा, जो बच्चे मेडिकल में भी क्वालिफाई हो जाएंगे फिर एक बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, और जो बच्चे उसमें आ जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अपनी इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट भी निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी पूरी हो गई होंगी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो आप इन फ़ोन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो, ये इनके दे रखे हुए नंबर हैं, ठीक है, ये टेलीफोन नंबर ये दे रखा है, इतने टेलीफोन नंबर हैं, कोई भी क्वेरी होने के लिए आप जो है ना इसने डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हो या इनकी जो है ना वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें हो गई। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।